सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम कुछ इस तरह के 3D इमेज को एडिट करना सीखेंगे जो कि दोस्तों बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो दोस्तों इस इमेजेस को एडिट करने के लिए आपको एंड तक जरूर देखना होगा वीडियो। तो दोस्तों क्योंकि आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर दिखेगा, ओपन होने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएट। तो सर्च होने के बाद आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट को ओपन करना है। यहां पर देखिएगा, ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस वेबसाइट को पहली बार ओपन किए होंगे तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना होगा। तो शायद आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लिए होंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ऊपर इस बॉक्स में हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिएगा हमारा कीपैड ओपन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमें इमेज के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए कुछ लिखना होगा। तो दोस्तों क्या लिखना है, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉम्प्ट दिया गया है, आप वहां से कॉपी करके यहां पर देखिएगा पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिए आपको चेंज करना होगा। तो दोस्तों यहां पर आपका जो भी रियल एज होगा यहां पर एज चेंज करिएगा। यहां पर देखिएगा नाम दिया गया है, यहां पर हमारा नाम लिखा गया है, इसको हटाकर अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए गर्ल का नाम लिखना है। अगर आप अपने कपड़े को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर येलो शर्ट्स एंड पैंट्स दिया गया है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए गर्ल्स के भी कपड़े दिए गए हैं, यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए येलो शर्ट्स एंड जींस दिया गया है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 4 इमेजेस को एडिट करके दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे इमेजेस को एडिट करके दिया है। तो दोस्तों मुझे ये वाला इमेजेस बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों इसको हम ओपन कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे इमेजेस को एडिट करके दिया है। तो दोस्तों आपको जो भी इमेजेस यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको आप अगर सेव करना चाहते हैं, तो दोस्तों सेव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस फोटो के नीचे 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यह इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके इमेज में कुछ भी मिस्टेक है तो दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों इसमें देखिए आपको कुछ चेंज नहीं करना है, फिर से आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यह कुछ अलग प्रकार के इमेजेस को एडिट करके देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग प्रकार के इमेजेस को एडिट करके दिया है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियोज को पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।